जहां पर नादार और मुस्तहिक लोगों के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से एक नई स्कीम का इफ्तिताह किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान एहसास सैलानी लंगर स्कीम का इफ्तिताह कर रहे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद के, जहां पर गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर स्कीम का एहतमाम किया गया है। वजीर आजम इसकी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं और इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान गरीब और नादार लोगों के दरमियान मौजूद हैं और लंगर स्कीम का एहतमाम किया गया है। इस्लामाबाद से शुरू होने वाली इस स्कीम को मुल्क भर में भी फैलाया जाएगा, इस किस्म का हुकूमत की जानिब से अयादा किया गया है। इस्लामाबाद में एहसास सैलानी लंगर स्कीम के तहत रोजाना 600 के करीब अफराद को खाने का भी उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे हैं गरीब और नादार लोगों के लिए लंगर स्कीम का इफ्तिताह करने के लिए, और इस प्रोग्राम के तहत बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद से स्कीम को शुरू किया जाएगा और मुल्क के दीगर शहरों तक भी इसको फैलाया जाएगा। इस्लामाबाद से बाकायदा तौर पर अब इस स्कीम का इफ्तिताह हो चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है और खास तौर पर ये गरीब मुस्तहिक और नादार लोगों के लिए स्कीम का एहतमाम किया गया है। जिन लोगों को खाने की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकती, इस स्कीम के तहत वो इस्तफादा हासिल कर सकेंगे और यहां से दो वक्त की रोटी उनके लिए मुयस्सर होगी। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त वजीर आजम इसके मॉडल के सामने मौजूद है। इस किस्म का कुछ सेटअप रखा जाएगा लोगों के लिए और लोगों को इसी किस्म के एहतमाम के साथ खाना फराहम किया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान को एक मॉडल के पास बिठाया गया है और ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर गरीब लोगों के लिए खाना जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। और यही बताया जा रहा है कि लगभग 600 से 700 जो अफराद हैं वो डेली बेसिस पर यहां पर लंगर से मुस्तफीद हो सकेंगे। अभी जो टेस्टर के तौर पर खाना है वो वजीर आजम पाकिस्तान के सामने रखा गया है। एहसास सैलानी लंगर स्कीम का आप देख रहे हैं मनाजिर, जहां पर इफ्तिताह हो चुका है और अभी एक ये छोटा मॉडल वजीर आजम के सामने पेश किया जा रहा है और ताकि इनको अंदाजा हो सके कि किस तरह से जो मुस्तहिक अफराद हैं वो यहां पर आएंगे और खाने से मुस्तफीद हो सकेंगे। इस वक्त जो टेस्टर फूड है वो वजीर आजम के सामने रखा गया है ताकि कुछ अंदाजा हो सके कि किस किस्म का, किस क्वालिटी का खाना गरीब और नादार लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और वजीर आजम को यही बताया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर 600 से 700 जो गरीब और नादार लोग हैं वो इस लंगर से मुस्तफीद भी हो सकेंगे। जैसा कि इब्तदाई तौर पर इस हुकूमत ने आवाम से वादा किया था कि वो खाने की जिम्मेदारी भी लेंगे, अब ये इसकी एक एग्जांपल है। आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना तुअनकल कौसर फसल्ले रब्बे का वन्हर इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर। नाउ अब डॉक्टर सानिया आपसे एक्सप्लेन करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे मेहनत कश भाइयों और बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज वजीर आजम पाकिस्तान आपके दरमियान मौजूद हैं। वो आपकी मुश्किलात का खास एहसास रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक साल पहले वो इसी जगह पे आए थे और उस वक्त हमारे मेहनतकश भाई जो हैं वो खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, उनके सर पे छत नहीं थी और वजीर आजम ने ये ऐलान किया कि यहां पे पनाहगाह बनाई जाएगी। एक साल के बाद आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ यहां पनाहगाह बनाई गई है मगर पूरे पाकिस्तान में ऐसी पनाहगाहें बन गई हैं और इंशाल्लाह अब उसकी जगह में उसको ज्यादा भी किया जा रहा है। वजीर आजम की खास हिदायत है कि कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए, सबके सर के ऊपर छत हो और उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए, कि कोई खाली पेट ना सोए। और इसी सिलसिले में ये एहसास लंगर चलाने का फैसला हुआ है और ये फैसला हुआ है कि अगले साल हम 112 इंशाल्लाह लंगर खोलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही बड़ा काम है और ये हुकूमत अकेला नहीं कर सकती, इसलिए हमने एक बहुत ही अच्छी शोहरत रखने वाली फलाई तंजीम जिसका नाम सैलानी ट्रस्ट है उनके साथ आज एक मुआहदा हो रहा है
और उस मुआहदे के तहत सैलानी ट्रस्ट एहसास सैलानी लंगर खाने खोलेंगे पूरे पाकिस्तान में 112। वज़ीर आज़म ने उसकी जो है मंजूरी दे दी है और उसके तमाम इंतजाम जो हैं वो हो चुके हैं। आपको ये भी हम बताते चलें कि वज़ीर आज़म की खास हिदायत है कि जहां भी लंगर खाने खुलें वहां खाना मयारी हो, वाफिर मकदार में हो और लोगों को इज्जत के साथ दिया जाए। और आप सब ये बात सुन के आपको खुशी होगी कि ये लंगर खाना मंजूरी के बाद सिर्फ 10 दिन में बनाया गया है। 10 दिन पहले यहाँ पे सिर्फ घास थी और कुछ भी नहीं था। तो ये सैलानी ट्रस्ट के साथ और इंशाअल्लाह इसलिए हुकूमत जो है वो बहुत ही पुरअज़म है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हम ये जो 112 जो लंगर खाने वो बहुत जल्दी बना देंगे। हमारे अक्सर जो यहाँ पे लोग हैं क्योंकि वो पश्तो बोलते हैं तो दो लफ्ज में आपकी इजाजत से वज़ीर आज़म पश्तो में बोलना चाहूंगी। वज़ीर आज़म साहब रागले दे मुंसर नास दे उदे ब्या ब्या मुंतदा वैना कई चितासो दा पनागा दा लंगर दा जर पुलाओ के चिदा खलक तकलीफ नहीं ची खलक मड़क के टा रोटे उखरी और दा इंशाल्लाह बटोल पाकिस्तान के बमंग जोड़ाओ। सूरत दहर की आयत नंबर 8 में खास तौर पे खाने लोगों को खाना खिलाने के मुतालिक खास तलकीन की गई है और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज को बहुत पसंद करते थे कि लोगों को खाना खिलाया जाए। तो आइए आज हम सब मिलके दुआ करते हैं कि जो वजीर आजम का और हुकूमत का जो ये अजम है पाकिस्तान में किसी को भी भूखे पेट ना छोड़ने का उसकी हम अल्लाह मियां हमें तौफीक दे कि ये हम जल्द से जल्द पूरा करें। और अब मैं सैलानी ट्रस्ट के बानी बशीर साहब से दावत देती हूँ कि वो कुछ कहें भी और दुआ भी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुर्सलीन اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم। अल्लाह ताला के करोड़ हाँ करोड़ एहसान के अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स पाकिस्तान को दिया है अगरचे एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है ये हालात, लेकिन एक सोच तो पैदा हो गई कि गरीबों मिस्कीनों मोहताजों लावारिसों बेवाओं यतीमों भूखे सोने वालों भूखे पेट स्कूल चले जाने वाले बच्चों दवाई से महरूम छत से महरूम और ज़िंदगी की तमाम सहूलियात से महरूम अच्छे पानी से महरूम पाकिस्तानियों के लिए कुछ सोच तो रहा है। तो मैं सर आपका मशकूर ममनून हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ये सोच दी है। अब होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक सोच तो बनी। आज तक इस तरह की सोच गरीबों के साथ इस तरह का बर्ताव कि रात को वो मतलब देने के बाहर ना सोएं, ये तस्वर से रियासत मदीना का है। और हमारे पीएम साहब की मैंने जब कई बातें सुनी हैं और मैंने जब मीडिया पर टॉक शो में इनकी चंद बातों का इजहार किया तो लोगों ने मुझे शिकवा किया कि क्या आप जो मतलब आपने इनको हीरो बना दिया। तो मैंने हीरो नहीं बनाया, असल में इंसान की नीयत इंसान को हीरो बनाती है। हारून रशीद की जो बीवी थी जुबैदा बड़ी मशहूर खातून थी, तो उसका इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखकर कहा कि आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। तो हारून रशीद की बीवी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि आपको इसलिए बख्शा होगा ना कि आपने मक्के तक सड़क बना दी। तो आपने फरमाया मैंने मक्के तक सड़क तो बनाई, वो तो जिन्होंने मेहनत की उनको मिलेगा अजर, मुझे तो सिर्फ नीयत का अजर मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे वज़ीर आज़म के ज़हन में दिमाग में जो नीयत है ना, ये नीयत एक बहुत बड़ा सरमाया है। कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है, उसमें अल्लाह ताला की अल्लाह के रसूल की सबसे पहले हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात कि सारा मदार नीयतों का है। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो ये हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी जो है 1999 में बना
اور ہم نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کریں گے، یعنی ہم نے لمیٹیشن نہیں کی تھی، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ جس فورم پر بھی سیلانی کو بٹھا دو اور سوال کر لو کہ کیا یہ کام آپ کرتے ہو، تو الحمدللہ سیلانی آپ کو کہے گی کہ یا تو ہم ان ہاؤس کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً 3500 کا اسٹاف ہے ادارے کا، اور پاکستان بھر میں کام ہو رہا ہے، ملک کے باہر کام ہو رہا ہے. مقصد صرف جو ہے نا غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اور یہ کام ہمارا نہیں ہے. جو میں آپ کے لیے پاس کتابیں لے کر آیا تھا دو، ایک تو یہ حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ ہمارا نصاب ہے، اس کو پڑھیے گا. دوسری کتاب جو ہے یہ سود کا وبال، کیونکہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جب آئے نا تو آپ نے ہر فورم پر جو ہے بات کی ہے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، اور یہ زبان پر یہ جملہ ہے نا، ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو بخشوا دیں. تو یہ جو ریاست مدینہ ہے اور سود ہے نا، یہ دونوں ضد ہیں. میں نے صدر پاکستان کو یہ 10 کتابیں دی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی کتاب دی جائے، ہمارے مطلب کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی دی جائے، ہمارے خزانے کے وزیر کو دیا جائے، پڑھیں کہ اگر ہمارے ساتھ سود جڑا رہے گا تو عمران خان کو ترقی جو یہ چاہتے ہیں ریاست مدینہ کی صورت میں، اس ترقی میں ساری رکاوٹیں ہیں. کیونکہ دیکھیں سود کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے کہ بہر بھی من اللہ و رسول ہی اللہ سے جنگ ہے. تو خان صاحب آپ کو بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں گزرا، یعنی حاکم، لیکن ان پر بھی 9 مہینے بڑی مصیبت کیا ہے، ایسی مصیبت آئی کہ زمین مدینہ شریف کی کالی ہو گئی تھی. تو آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ گیا، حالانکہ آپ گورے تھے. چنانچہ ہم نے تاریخ پڑھی کہ ان دنوں میں حضرت عمر نے اپنے اوپر بہت سختی کی، یعنی کھانا پینا سب چھوڑ دیا، اور اللہ سے دعائیں کرتے. آخر انہوں نے ایک دن میں 60,000 آدمیوں کو کھانا کھلا کر لوگوں کا پیٹ بھرا، مگر خود بھوکے رہتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی یہ مطلب یہ نہیں کہ جب وقت آیا ہوا ہے کہ ملک بہت تکلیف میں ہے، سیلانی آپ سے کبھی زندگی میں روپے نہیں مانگے گی، ہمیں آپ کو روپے نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ ہم ریاست کا پانی بھی نہیں پیتے. اگر آپ مجھے ایوان پی میں بلاؤ گے نا تو چائے پیش کرو گے تو میں آپ سے چائے رکھ لوں گا، لیکن پیوں گا نہیں. میری پالیسی ہے کہ 22 لاکھ مسلمانوں کا، 22 لاکھ پاکستانیوں کا یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، 22 کروڑ سوری، تو اس پیسے سے میں پانی بھی کیوں پیوں. تو جب میری آخری بات آپ سے کروں گا، جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی تھیں. ایک بات میں نے آپ سے پہلی کی تھی کہ آپ کی پارٹی کا نام انصاف ہے، آپ کیجیے کو چھڑائیں. ماشاء اللہ آپ نے کام کر کے دکھا دیا، ماشاء اللہ پاکستان میں کیا باہر بھی کیا، یہ پکا مال ہو گیا. دوسری بات میں نے آپ سے کی تھی سر، آپ نے کہا ہے کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو ملازمت دوں گا، تو آپ ملازمت کے لیے جب تک اپنے اطراف میں کاروباری حضرات کو نہیں رکھیں گے، کاروباری لوگ دیکھیں، آپ ریگن کو دیکھیں اس نے کیسے کامیابی حاصل کی، ملیشیا کے سربراہ کو دیکھیں اس نے کیسے کامیابی حاصل کی. کیوں؟ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھا کہ جو لوگ اس شعبے کے امام تھے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ جو ہے 1 کروڑ ملازمت جو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کاروباری حضرات سے بار بار ملیں، سارے چیمبر سے ملیں، سارے فیڈریشن ملیں، شخصیات سے ملیں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاس 93.94 ارب بلین ڈالر کا قرض ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو کاروباری اتار دیں گے. اور آخری بات میں نہیں کرنی تھی کہ سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی کھانا کھلایا تھا، پانی بھی پیتے تھے، رہتے بھی تھے. میری خواہش ہے کہ آپ صدقہ جاری کریں، اور وہ ہے کہ آپ تنخواہ نہ لیں، تاکہ آپ کے بعد آنے والی جو لوگ وزیر اعظم ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے، پاکستان کی تاریخ بنے گی اور صدقہ جاری ہوگا.